सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी फ़ोटो को आप एडिट कर सकते हो और अपनी फ़ोटो की आप कलर ग्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है गाइस, यहां पे मैं दो या तीन एप्लीकेशन का मैं यूज़ नहीं करने वाला, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन का मैं यूज़ करूँगा और काफ़ी सिंपल सा यूज़ है इस एप्लीकेशन का। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो इस एप्लीकेशन का नाम है वास्को और यहाँ पे आपको फोटो और वीडियो एडिटिंग दोनों फीचर आपको देखने को मिलते हैं और आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपको प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे साइन इन प्रॉब्लम आपकी होगी और उसके अलावा काफ़ी सारे इसमें ऐसे फीचर हैं जो कि अभी लॉक्ड हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाके इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना और इस एप्लीकेशन में आपको साइन इन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ। ओके गाइस, तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे चाहे इसकी सेटिंग वगैरह आप सभी कुछ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको भी आपको एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक दो फ़ोटो एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को भी आप कलर ग्रेडिंग आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो कोशिश करिए कि जितना आपकी फ़ोटो हो सके आउटडोर में ज़्यादा शूट होगी तो उतना ही ज़्यादा रिजल्ट हमें बेटर मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, देन यहाँ पे गाइस आपको फ़ोटो को एडिट करना है और यहाँ पर आपको सेकेंड वाला जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर आपको टून का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हाईलाइट का ऑप्शन है इसको आपको फुल कर देना है। ठीक है गाइस, तो चाहे आपका जैसा भी फ़ोटो इंडोर हो आउटडोर हो इसको आपको हाईलाइट को फुल करना है, इससे क्या होगा हमारा फ़ोटो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद गाइज अभी आपको लास्ट में HSL वाला आपको फीचर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके सभी कलर्स वगैरह को आपको चेंज करना है। ठीक है गाइज, तो अभी जैसा हमारे बैकग्राउंड में ब्लू कलर है तो हमें यहाँ पर ब्लू कलर को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइज अभी आपको जो हाईलाइट है इसको आपको फुल कर देना। ठीक है, और उसके बाद जो सैचुरेशन है इसको भी आपको फुल कर देना है। देन जो लाइट है इसको आपको डिक्रीज करना है ब्राइटनेस को। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन वाले कलर पे आ जाना है, इसको भी आपको हाईलाइट को फुल कर देना है, सैचुरेशन को इसको भी फुल कर देना है और लाइट को डिक्रीज कर देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपको इस सभी कलर्स को इस तरह से आपको चेक कर लेना। ठीक है, अब इस कलर की हाईलाइट को थोड़ा सा ज़्यादा, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा और लाइट को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे जिससे हमारे फेस पर ज़्यादा ब्राइटनेस हो। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको येलो की हाईलाइट को थोड़ा सा ज़्यादा करना है, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा और लाइट को ब्राइटनेस को ज़्यादा कर देना। उसके बाद गाइज अभी आपको यहाँ पे रेड कलर पे आ जाना है, तो इसको भी आपको हाईलाइट को थोड़ा सा और सैचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा कर देना है बस। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको विगिनटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा इसे ज़्यादा कर देना जिससे जो ब्लैक शेडो है हमारे साइड में वो हमें देखने को मिले। ठीक है गाइज, उसके बाद गाइज अभी फ़ोटो के रिजल्ट को HD बनाने के लिए यहाँ पे आपको शार्पन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको आपको ज़्यादा कर देना, इससे क्या होगा हमारा फ़ोटो देखने में HD क्वालिटी का लगेगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको हम फुल करेंगे तो अभी आप फ़ोटो का रिज़ल्ट देख सकते हो, डिग्रीज करेंगे तो भी आप देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जितना आप शार्पन आप यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ोटो का रिज़ल्ट देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है गाइज, तो अभी आप हमारे फ़ोटो का आप रिज़ल्ट देख सकते हो, बिफोर एंड देन आफ्टर। तो कुछ इस तरह से गाइज अपनी फ़ोटो का आप एडिट कर सकते हो और इस तरह से आप अपनी वीडियो के कलर को भी आप अपनी वीडियो के कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का एप्लीकेशन है, मैं अपनी सभी फ़ोटोज़ के लिए इसी एप्लीकेशन का मैं यूज़ करता हूँ और मैं किसी भी DSLR वगैरह का मैं यूज़ नहीं करता, अपने मोबाइल से ही मैं अपनी फ़ोटो को शूट करके यहाँ पे मैं एडिट कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, तो आप भी इस एप्लीकेशन का आप यूज़ ज़रूर से करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। सो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।